हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यूजी। दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव आज का जो हमारा सेशन है पुराने जो कुछ सेशन नहीं हो पा रहे थे किसी कारणवश उसके दो रिकॉर्डेड वीडियोस मैंने यहाँ पर प्रीमियर करवाए थे मैं उम्मीद करती हूँ वो आप सबने देख लिए होंगे अगर नहीं देखे तो लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर चुकी हूँ लेक्चर नंबर टू एंड लेक्चर नंबर थ्री एक में मैंने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पूरा डिस्कस कर लिया था दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन

ठीक है इसमें अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है अपोजिट टाइप है डेकेसेट टाइप है क्या होता है कैसे होता है डिटेल डिस्कशन इसका हम अपनी आज की क्लास के अंदर करेंगे तब तक फटाफट से फटाफट से आ जाओ लिंक को शेयर कर लो सो वी कैन स्टार्ट विद आवर क्लास जल्दी से लिंक शेयर कर लो और आ, आज आ, नहीं आज क्या डे है फ्राइडे कल कल आ, रात में मैं क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स के लिए आप लोग पूछ रहे थे क्रैश कोर्स का डिमांड आ रहा था कल रात को लॉन्च वीडियो बन जाएगा उसका फ्राइडे नाइट ठीक है कल लॉन्च वीडियो बन जाएगा मंडे से क्रैश कोर्स फॉर टारगेट ऑडियंस नीट 2021 मैं शुरू कर दूंगी ठीक है मंडे से आपका क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा क्रैश कोर्स के अंदर डे वन चैप्टर सीरीज हम चला लेंगे ठीक है जी साढ़े दस तक टाइमिंग रहेगी टेन थर्टी तक मेरा क्लास रहेगा नाइन टू टेन थर्टी ए एम हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है जी चलो जल्दी से आ जाओ इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ अगर आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट सत्तर से ज्यादा से, से जितने भी एडुकेटर्स हमारे के पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं सारे के सारे अनलॉक हो जाते हैं जिस सब्जेक्ट में जिस एडुकेटर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करें जी बिल्कुल आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं करना क्या होता? इसमें आपका क्या क्लासेस बिल्कुल जैसे यहाँ पर चलती है वैसे होती है जी नहीं बहुत इंटरेक्टिव सेशन होते हैं ये वन वे डिलीवरी है वहाँ वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है आपका और हमारा क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को स्पेशली लर्निंग के लिए डिवाइस किया द, 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 मतलब डिजाइन किया गया है तो ऐसे फीचर्स उसके अंदर है इवन दो हैंड रेस का ऑप्शन है जिससे आप अपने डाउट्स बोल कर पूछ सकते हैं जो मुझे भी सुनाई देता है बाकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स को सुनाई देता है प्ले स्टोर पे जाकर अनु का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है जैसे ही आप इस ऐप को अनकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करोगे जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है आप उस पर क्लिक करेंगे फिर वो आपसे आपका स्ट्रीम पूछेगा आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं नीट यूजी भरिएगा फिर आपसे वो आपका स्ट्रीम आपसे पूछेगा जाएगा कि प्लस चाहिए या आइकॉनिक चाहिए आप प्लस या आइकॉनिक में से किसी भी एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं आइकॉनिक का एडिशनल फीचर ये है क्लासेस वही प्लस वाली ही चलती है एडिशनल फीचर ये है वहां पर आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो टेस्ट पेपर एनालिसिस और स्टडी प्लानर में आपको मदद करेगा क्योंकि आइकॉनिक में थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं आपको पर्सनल कोच मिल रहा है तो उसके प्राइसेस प्लस के कंपेयर में थोड़े से ज्यादा है ठीक है आपने जैसे प्लस या आइकॉनिक में से किसी भी एक को ऑप्ट किया उसके बाद उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे फिर आपके सामने इस तरीके से समय अवधि आएगी वन थ्री सिक्स ट्वेंटी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल है ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री गो फॉर वन एंड टू ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन वाले थ्री मंथ सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पर जा सकते हैं बाकी गो फॉर वन एंड टू ईयर दैट इज द मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन टू ऑप्ट ठीक है तो आप फिर उसके बाद कंटिन्यू करके ये प्रोसीड टू पे के पहले ऐसे गिफ्ट वाउचर बनाए ब्लैंक स्पेस होगा वहां पर आपको अपनी मैम का नाम लिखना है शिवानी अगर आप शिवानी कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इससे क्या फायदा मिलेगा एक तो आपको आपकी फीस पर शिवानी कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लेने से दस परसेंट का डिस्काउंट मिल ही रहा है तो ये सब दे देंगे और ठीक है प्लस वन ईयर पे टू मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा अभी ऑफर चल रहा है टू पे थ्री मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा ऑफर चल रहा है ठीक दस परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल रहा है प्लस बाकी के जो, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको एक्सक्लूसिव शिवानी कोड अप्लाई करने से ही मिलेंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ शिवानी कोड से शिवानी कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे थ्रू आउट योर नीट जर्नी आई विल गाइड यू ठीक है कि तैयारी क्या कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटीरियल यू कैन बी दार्ट ऑफ माई ग्रुप एंड माई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटीरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है डीपीपीज मिलते हैं क्वेश्चन बैंक मिलता है जिससे कि क्लास के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें आपको uh, क्या बोलते हैं स्टडी प्लानर मिलता है कि तैयारी कैसे करनी है ठीक है बैक पोर्शन कैसे कवर करें करंट पोर्शन का सही तरीका क्या है बिकॉज आई टोल्ड यू ना 90 परसेंट स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग इन द रेस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम बट ओनली टू टू थ्री परसेंट स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड तो हाउ टू कम इन दैट कैटेगरी उसके लिए प्लस आप यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई सुपर एटीज मेरे सुपर एटीज स्पेशल बैच का पार्ट बन के आप नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं वाई यूजिंग दिस कोड शिवानी तो सुपर एटीज का पार्ट बन के आप नीट को जर्नी को वहां पर मतलब पूरा मेरा मेंटरशिप रहता है सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के अंदर कंप्लीट नीट जर्नी को मैं आपको मदद करती हूँ तो ये जो सारे बेनिफिट्स मेंटरशिप कोटा का स्टडी मटेरियल डीपीपी स्टडी प्लान स्पेशली मेरे सुपर का पार्ट बनना ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस ये आपको शिवानी कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लेना है और ये सब तो मिलना है वो मिल ही जाएगा ठीक है अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी दिक्कत आ रही है सब्सक्रिप्शन के बाद तो आराम से कॉन्टेक्ट हो जाएगा सब्सक्रिप्शन के पहले कैसे कॉन्टैक्ट करें तो सब्सक्रिप्शन के पहले कॉन्टेक्ट करने का तरीका आप मुझे अनएकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो पर फॉलो करो यहां मुझे फॉलो आप जैसे ही कर लेंगे फॉलो करने के बाद आप नीचे की तरफ ड्रैग करते हो ना बेटा तो मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर आई विल रिवर्ट यू

स्पेशली टारगेट ऑडियंस नीट 2021 में ट्वेंटी हाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ फ्री स्पेशल क्लासेस है यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टेलीग्राम पर भी मैं लिंक शेयर करती हूँ रोज शाम चार से पांच होती है तो मेक इट श्योर यूर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट फ्री है कोई चार्जेस नहीं है वो जस्ट आपसे कोड पूछता है अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो, तो आप इन्वाइट कोड शिवानी डाल के इस क्लास को अनलॉक कर लें ठीक है जितने भी फ्री फीचर्स है ना और अनकेडमी के जितने भी फ्री फीचर्स हैं जैसे कॉम्बैट है स्पेशल क्लासेस इनके लिए आपसे बस एक इनवाइट कोड पूछता है उन सब जगह पर आप शिवानी कोड डालोगे तो आपका क्लास अनलॉक हो जाएगा ठीक चलो ये हो गया चलिए लेट्स गेट स्टार्ट विद क्लास इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइलो टैक्सी तब तक यहाँ पे देख लेते हैं क्रैश कोर्स मंडे से शुरू हो जाएगा तुम लोगों का ठीक है ठीक है हाँ और तुम लोग की तादाद इसलिए बड़ी क्रैश कोर्स जो है क्योंकि ये ऐसे नहीं वन डे वन चैप्टर सीरीज मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग नाइन ए एम हम लोग टाइम यही रहेगा आ, कितने बजे से टाइम है क्लास का मैडम क्लास का टाइम वही मॉर्निंग नाइन ए एम ही रहेगा ठीक है और मंडे से शुरू हो जाएगा क्रैश कोर्स एज पर योर डिमांड और कल कल उसका लॉन्च वीडियो मैं बना दूंगी थोड़ा सा डिटेल हम बात कर लेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होगी क्रैश कोर्स किस तरीके से हम चीजें करने वाले ये आपको कल पता लग जाएगा कल रात को साढ़े नौ पे मैं लाइव आ जाऊंगी ठीक है साढ़े नौ पे मैं लाइव आ जाऊंगी नाइन थर्टी या टेन पी रख लेते हैं कल रात दस बजे मैं लॉन्च वीडियो बना दूंगी क्रैश कोर्स का कल रात दस बजे ठीक है डन चलो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले के वीडियोस जिसने नहीं, नहीं देखा गो फॉर द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दस मैंने प्रीमियर करवा दी है तो इन टुडेस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइलोटैक्सी फाइलोटैक्सी क्या होता है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ये जैसे ये लीव्स है ना लीव्स का पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट क्या है स्टेम पर दैट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम मैं सब कुछ हैंड में जाऊंगी डोंट वरी

टाइप टू जो है इट इज अपोजिट फाइलोटैक्सी टैक्सी विच इज नॉट मैं और ये आपके अपोजिट फाइलोटैक्सी के ही दो सब टाइप्स और थर्ड हो गया आपका ये वर्ल्ड फाइलोटैक्सी ठीक है ये तीन टाइप के होते हैं क्या होता है डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के अंदर क्या हो रहा As you can clearly see over here. है एज यू कैन क्लियरली सी ओवर है ये देखो एक नोड है एक नोड से आपकी एक ही लीफ अराइज हो रही है एक नोड से एक ही लीफ अल्टरनेट मैनर में अगर निकलती है इट इज कॉल्ड द ऑल्ट इन दिस टाइप अ सिंगल लीफ एक हर एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगी इन दिस टाइप अ सिंगल नोड एक नोड से एक ही लीफ अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड वो भी आपके ऑल्टरनेट मैनर के अंदर मस्टर्ड चाइना रोज एंड सनफ्लावर ये आपके ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल है उसके अंदर इस तरीके का पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा मस्टर्ड चाइना रोज एंड सनफ्लावर के अंदर आपको ये सब देखने को मिलता है ठीक है अपोजिट फाइलोटैक्सी की मैं बात करूं इस तरीके के फाइलोटैक्सी के अंदर क्या होता है पेयर ऑफ लीव्स एक सिंगल लीफ नहीं एक नोड से अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड और ये अपोजिट मैनर में एंड लाइ अपोजिट टू ईच अदर अपोजिट अरेंज्ड होती हैं ठीक है अ पेयर ऑफ लीफ अराइज होंगी अब सुनना मेरी बात जैसा कि मैंने यहां पर बताया ना आपको ये देखो जैसे कि मैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की बात करूं तो ये देखो ये एक नोड इससे मैंने ये एक लीफ अराइज़ कर दी अ सिंगल लीफ अराइज़ एट ईच नोड और ऐसे अल्टरनेट मैनर में मैं चलाती जाऊंगी ये नोड से एक सिंगल लीफ और ऐसे अल्टरनेट मैनर में ये प्रेजेंट होती है इजी गोइंग आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट द अल्टरनेट फाइलोटैक्सी दिस इज द अल्टरनेट फाइलोटैक्सी अब दूसरा जो मैंने बोला अपोजिट फाइलोटैक्सी अपोजिट फाइलोटैक्सी के अंदर क्या बेटा एक सिंगल नोड से पेयर ऑफ लीव अराइज अब मैं ये एक नोड से मुझे अगर अ पेयर ऑफ लीव अराइज करनी है तो मैं ऐसे भी कर सकती हूं एक नोड है इससे देखो ऑफ लीफ अराइज हो गई ये एक नोड है, है ये एक है। ये एक ये एक नोड नोड है, ऑफ हो गई। से ये एक ये निकली और एक ये निकली एक और तरीका है पेयर ऑफ लीफ अराइज करने का मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ ऐसे ये भी तो एक तरीका हो सकता है पेयर ऑफ लीफ एक सिंगल नोट से या पेयर ऑफ लीफ सिंगल नोट से या पेयर ऑफ लीफ सिंगल नोट से या ऑफ लीफ तो वो यही कह रहा है कि ये देखो ये एक, एक तरीका ये ये सिंगल नोट इससे एक पेयर ये और एक पेयर ये ये एक सिंगल नोट एक पेयर ये और एक पेयर ये आ रही है बात समझ में तो एक तो ये तरीका हो सकता है और क्या तरीका हो सकता है ये ऐसे एक नोट से ये एक पेयर ऑफ तो यही दो टाइप हो गए आपके डकसेट टाइप इस तरीके से विचलाए ऑल्टर ये से राइट एंगल पर और ये एक के ऊपर एक एक के ऊपर सुपर पोस्ट टाइप अपोजिट फाइलोटैक्सी के अंदर पेयर ऑफ लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड तो यू कैन सी दिस इज द नोड दिस इज द वन पेयर दिस इज द अनादर पेयर दिस इज अ नोड दिस इज द वन पेयर दिस इज द अनादर पेयर इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द अपोजिट फाइलोटैक्सी बिकॉज from each node a pair of leaf arise what happen in this case same this is a node this is one pair this is another pair this is the node this is the one and this is the another so a pair of leaf arise from each node so they, they both belong to the opposite phylotaxi but you can see the type of arrangement in b type of diagram it lies it lie right angled to each other so that is the decussate type of opposite phyllotaxy and in case of c it it lie one over the another ek ke upar ek ek, ke upar ek. so this is the superposed type of phyllotaxy i think it is clear to everyone who are present there see it is written over here इन दिस टाइप अ पेयर ऑफ लीव अट नोट विच लाइ अपि डिरेक्टली ओवर द लोअर पेयर लोअर पेयर के जस्ट ऊपर फिर नीचे के जस्ट ऊपर एक के ऊपर एक दिस इज द सुपरपोस्ट टाइप इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगाट इज द गुआवा डकसेट टाइप में राइट एंगल पर

चाइना रोज एंड सनफ्लॉर ठीक है इसमें डकसेट का एग्जाम्पल है बी वाले का एग्जाम्पल है कैलोट्रोफिस उसके अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा सुपर पोस्ट का एग्जाम्पल जो है सी वाले का इसका एग्जाम्पल है आपका गुआवा आपको ऐसे ठीक यहां तक राम कहानी क्लियर हो गई होगी नेक्स्ट दिस इज द वर्ल्ड टैक्सी यू कैन सी वॉट है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी कितनी सारी, कितनी सारी so, अगर दो से ज्यादा इफ मोर देन टू अगर दो से ज्यादा लीव अराइज हो हर एक नोड से इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट ईच नोड तो इसको आप कहते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी एलस्टोनिया एंड नीरियम के अंदर इस तरीके का फाइलोटेक्सी अरेजमेंट देखने को मिलता है तो मोर देन टू लीव अराइज एट ईच नोड इन दर्ल्ड फाइलोटेक्सी इसका एग्जाम्पल यही नोट आउट कर लेंगे डायग्राम में ही एग्जाम्पल एलस्टोनिया एंडियम बोलो बेटा यहां तक क्लियर हो गई क्या राम कहानी जल्दी बोलो फटाफट से प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स यहां तक क्लियर हुआ क्या आपको इज इट क्लियर टू एवरी वन से नो यहां तक एकदम क्लियर चलो इसके बाद इसके आगे की राम कहानी करेंगे एक सेकेंड अब देखो ये हो गया तो ये पूरा पढ़ चुके हम दिस इज ऑल अबाउट द फाइलोटैक्सी दैट इज पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन इसी को हम फाइलोटैक्सी कह रहे हैं आगे देखते हैं अब ये पूरा पढ़ लिया

कहाँ गया ये साइमोस और डेफिनेट टाइप आप पढ़ोगे फिर आप कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरस पढ़ेंगे जिसमें साइथियम हाइपन थोडियम ये सब हम लोग देखेंगे तो ये सारे टाइप्स हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे ठीक है तो इन्फ्लोरस क्या है द अरे फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है फ्लोरल एक्सिस पर उसे हम इन्फ्लोरस कहते हैं तीन मेजर टाइप्स हैं इसके रेसिमोस और द इनडेफिनेट टाइप साइमोस और और डेफिनेट टाइप टाइप स्पेशल में आप हाइपन थोड़ियम साइथम वल्टीसेलेस्ट्रल टाइप ये तमाम चीजें आप लोग देखेंगे तो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरसेंस है सबसे पहले मैं आपको रेसिमोस और इनडेफिनेट टाइप ऑफ इंफ्लोरस के बारे में बात करेंगे बेटा रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरसेंस की अगर मैं बात करूँ जिसमें जो मेन एक्सेस होती है इन दिस टाइप ऑफ इंफोर जो मेन एक्सिस है ये कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है डज नॉट टर्मिनेट इन फ्लार एंड फ्लार आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपीटल एक्रोपीटल मैनर का मतलब है ओल्ड फ्लार लोअर एंड पर होंगे और यंग फ्लार आपके अपर एंड पर प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से होता है मैं कुछ टर्म्स भी आपको यहां पर क्लियर कर देती हूँ जो जगह जगह इस पर्टिकुलर टॉपिक में यूज होंगे के अंदर मैंने आपको बताया रेसिमोस और पैटर्न में में जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे, उन सब में एक चीज जो कॉमन होगी ये आपका मान लो बेटा मेन एक्सेस है ये मेन एक्सेस है मेन एक्सेस को पेडंकल भी कहते हैं तो एक तो मेन एक्सेस होता है ऐसे होता है कि ये मेन एक्सेस विच टर्मिनेट्स इन फ्लॉर ये फ्लार में टर्मिनेट हो गया ठीक है ये आपको साइमोस पैटर्न में देखने को मिलेगा डेफिनेट पैटर्न रेसिमोस में क्या होता है टाइप ऑफ मेन एक्सिस है ना जिसे हम पेडंकल कह रहे हैं इट डज नॉट टर्मिनेट इन ए फ्लावर इलांगेटेड होता है ये ठीक है तो ये मेन एक्सिस है ये ये भी लिख लो ये आपका मेन एक्सिस है जिसे आप कहते हो पेडंकल ठीक ये याद रखना ये मेन एक्सिस है जिसे आप कह रहे हो पेडंकल अब सुनो आगे की कहानी अब वो कह रहा है कि मेन एक्सिस जो पेडंकल है इट इज इलांगेटेड इट नॉट टर्मिनेट इन फ्लार इन दर असीमोज पैटर्न आप कुछ जगहों पर पढ़ोगे कि पेडिसिलेट कुछ टर्म आएगी जो टर्म क्लियर कर देती हूँ एक होगा पेडिसिलेट फ्लार एक होगा सिसाइल फ्लावर। दोनों का मतलब क्या है ये भी समझ लो पैडिसिलेट फ्लावर तो वो फ्लावर जिन पर आपका पेडिकल प्रेजेंट है पेडिकल प्रेजेंट होता है पेडिकल क्या है फिर ये भी तो समझ में आना चाहिए भी बता रही हूं और सिसाइल फ्लावर में पेडिकल एब्सेंट होता है पेडिकल क्या होता है जैसे ये फ्लावर है डंडी नहीं होती स्टॉक इसको आप कहते हो पेडिकल This is the तो पेडिकल प्रेजेंट है ना फ्लावर में अगर पेडिकल है, तो फ्लार। एक फ्लार होता ऐसे, ऐसे है इसमें तो इन्हें आप कह देंगे तो मेरे हिसाब से जनरल टर्म थोड़ी सी आपको क्लियर हो गई होंगी किसेस है ना इसको कहते हैं आप पेडंकल पैटर्न में तो क्या हो रहा है ये मेन है इट नॉट टर्मिनेट ऐसे फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होगा फिर एक टर्म और मैंने आपको बता दी पर तो हमने देखा पेडिसिलेट फ्लावर तो ऐसे फ्लावर जिनमें पेडिकल प्रेजेंट है ये देखो ये फ्लावर इसमें ऐसे पेडिकल प्रेजेंट है डू यू मीन बाय दिसाइल फ्लावर में ना मेन एक्सेस है न, एक तो ये ये तो है पेडिसलेट फ्लावर ये पेडिकल के साथ फ्लावर्स अरेंज्ड है ये पेडिकल के साथ फ्लावर्स अरेंज्ड है एक होता है सिसाइल फ्लावर सिसाइल फ्लावर में क्या है? ये मेन एक्सिस इस पर डायरेक्टली ऐसे फ्लावर्स अरेंज्ड होंगे ऐसे ऐसे डायरेक्टली अरेंज्ड है फ्लावर पेडिसल नहीं है पेडिसल एब्सेंट है तो इन फ्लावर्स को आप कहेंगे सिसाइल फ्लावर्स यहां तक राम कहानी क्लियर है बेटा जी प्लीज लेट मी नो सिर्फ ये जनरल टर्म्स ही मैंने आपके साथ डिस्कस की है ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलो आगे इसके आगे हम बढ़ेंगे अब एक सेकेंड में पानी पी लू जस्ट लो जिसको ये लिखना है जनरल कॉन्सेप्ट है जस्ट एंड एज आई डिस्कस्ड मंडे से आप लोगों का क्रश कोर्स शुरू हो रहा है वन डे वन चैप्टर सीरीज उसके अंदर शुरू करूंगी मैं जिसका अनाउंसमेंट वीडियो कल रात दस बजे आने वाला है ठीक है दस नहीं नाइन थर्टी कर लो टाइम कल रात साढ़े नौ बजे यस ठीक अब देखो एक्रोपिटल मैनर का मतलब भी बता दिया कि लोअर साइड पे जो फ्लावर्स होंगे ये आपके ओल्ड फ्लावर्स होंगे और यंग फ्लावर्स अपर साइड पर प्रेजेंट होंगे अब रसीमोस और इंडेफिनेट का जो पहला जो टाइप दे रखा है क्या होता है बेटा इस तरह के, के, के अंदर ऑब्वियसली बात है रसीमोस का ही टाइप है तो पेडंकल तो इलॉन्गेटेड होने वाला है विच इज नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर एंड फ्लावर्स आर पेडिसिलेट समथिंग लाइक दिस ये रसीम के अंदर ऐसे मेन एक्सिस दैट इज द पेडंकल इट इज इलॉन्गेटेड विच डज़ नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर एंड पेडिसिलेट फ्लावर ये पेडिकल के साथ दिस इज द पेडिसिलेट फ्लावर सारा अरेंज्ड कुछ इस तरीके से होगा आपका रसीम टाइप ठीक है ये पेडिसिलेट फ्लार हो गए ये ये आपका ये समझ में आ गया होगा आपको इसको आप कह रहे इस तरीके से होगा ठीक है इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं रेडिश और मस्टर्ड के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलता है See? This is the This is the, अभी मैंने डायग्राम बनाया वही दिस इज दिलेट फ्लॉर्स आपको देखने को मिल रहे है। अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि पेडंकल इज ब्रांच वेन पेडंकल इज ब्रांच और हर एक ब्रांच पर आपके पेडिसलेट फ्लार लाइक रेसिन ये आपके एक्रोपीटल मैनर के अंदर अरेन्ज हो तो इसे आप कहते हैं कंपाउंड रेसी या फिर रसीम ऑफ रसीम या फिर कह दीजिए पेनिकल ठीक है क्या बोला क्या अगर आपका पेडंकल ब्रांच हो जैसे कि ये देखो ये पेडंकल ब्रांच है और हर एक ब्रांच पर कुछ इस तरीके से मैं ऐसे बना के दिखा देती ये देखो कुछ इस तरीके से होगा बेटा ये पेडंकल रसीम है तो ऑब्वियस बात है इट डज नॉट टर्मिनेट इन ए फ्लॉन पेडंकल ऐसे होगा आप वेन पेडंकल इज ब्रांच तो इसमें ये ब्रांचिंग करवा दो ये लो ये ब्रांचिंग हो गई और हर एक ब्रांच पर आपके प्रेजेंट होंगे इसे आप कहोगे कंपाउंड रेसीन इसे आप कहोगे कंपाउंड रेसीन या फिर कह दीजिए ऑफ़ या फिर इसे हम पैनिकल भी कहते हैं ठीक है ये कंपाउंड रेसीम यानी कि पैनिकल भी इसे कहा जाता है गुलमोहर और नीम के अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है दैट्स ऑल इट इज ऑल अबाउट द रेसीम सिंपल सी चीज आपको क्लियर हो गई होगी डायग्राम से थ्योरी क्लियर हो जाएगी रसीम में पेडंकल आपका इलांगेटेड विच डज नॉट टर्मिनेट इन ए फ्लैट उसके ऊपर आप किस तरीके से पेडिसिलेट प्रेजेंट है। ठीक है दिस इज़ रेसिम और अगर ऐसा हो कि पेडंकल ब्रांच हो ऐसे और हर एक ब्रांच पर आप किस तरीके से पेडिसिलेट फ्लावर्स प्रेजेंट हो तो इसे आप कहते हैं कंपाउंड रेसिम या फिर कहिए रेतीम ऑफ रसीम या फिर कह दो बेटा पानिका ठीक क्लियर हो गई यहां तक की चीज तो ये तो रसीम पैटर्न हो गया नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पाइक Spike में क्या होता है सी बात है है टाइप ऑफ का ही है. तो पेडंकल आपका इलाटेड होगा इन टाइप ऑफ इन्फ्लोर आपका पेडंकल तो इलोंगेटेड होना है लेकिन इसमें जो फ्लावर्स होंगे ये होते हैं पेडिकल एबसेंट होंगे विदाउट पेडिकल है ठीक है और एक और हम पढ़ते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स क्या होता है वॉट डू मीन द स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स पेडिकल ब्रांच होगा और हर एक ब्रांच पर आप कैसे स्पाइक लाइक इंश्योरेंस प्रेजेंट होंगे तो उसकी जो स्मॉल ब्रांच हैविंग द फ्लार इसको आप कहते हैं स्पाइकलेट और इस तरीके के अरेंजमेंट को कहा जाता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट ग्रास फैमिली के अंदर कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ

यू कैन सी पैडंकल इज एलोंगेटेड डायग्राम से थ्योरी क्लियर हो रही है पेडंकल क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पता है पेडंकल है तो पेडंकल इज एलोंगेटेड विच डॉट टर्मिनेट इन और फ्लार्स कहते हैं क्या होता है वही सेम रेसिमो का टाइप है तो पेडंकल तो इलांगेटेड ही होना है ठीक है विच डज नॉट टर्मिनेट इन फ्लावर अब ये पेडंकल को आप ब्रांच कर दो ये ब्रांच हो गया और हर एक ब्रांच पर आपके फ्लावर्स प्रेजेंट है हर एक ब्रांच पर आप किस तरीके से इस तरीके से so, जो हैं ये अरेंज्ड होते हैं इसे आप कह रहे हैं अब इसमें जो स्मॉल ब्रांच है दैट इज बियरिंग द फ्लावर उसको आप कहते हैं स्पाइकलेट एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इसे हम कहते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट आसानी से क्लियर हो रहा होगा ना

Is it clear? Meaning of society, anger, class में सो रहे थे थे? इसके पहले या फिर गायब थे? मैंने बताया ना है। है है, है इस पर ये पेडिकल है, तो पेडिसलेट फ्लार। ये तो तो ऐसे ही है। तो इसको कहते हैं फैशन की शुरुआत में ही बता चुकी मैं यानी कि क्लास लेट से ज्वाइन की होगी ठीक है तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसके बाद हम पढ़ते हैं कैटकिन या फिर से हम कहते हैं एमेंटम टाइप ऑफ इन्फ्लोरसेंस कैटकिन या एमेंटम टाइप में क्या होता है देखो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरसेंस ऑब्वियस बात है पेडंकल जो है इलांगेटेड ही होगा डज नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर ये थिन लॉन्ग एंड वीक होता है और फ्लावर्स इसमें सेसाइल एंड यूनिसेक्सुअल होते हैं ये याद करना है कैटकिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरसेंस में जो पेडेंकल है ये थिन लॉन्ग एंड वीक होगा

और इसी पेडंकल को आप ब्रांच कर दो वेन इज ब्रांच और हर एक ब्रांच पर ऐसा ही स्पाइक लाइक इन्फोर प्रेजेंट हो ये तो वो वाला गया, कैटकिन वाला हो गया ये का दे रखा है कैटकिन या फिर बोल दीजिए एमेंटम टाइप ऑफ इन्फोर एनसीईआरटी में नहीं है ये इसलिए मैं स्लाइड से पढ़ा रही हूं ये ठीक है थीके? लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल ही गायब है थोड़ा बहुत तो जिक्र है. की बात करें इस तरह की में पेडिकल आपका थिन था यहाँ पर थिक है, लॉन्ग एंड विच इज कवर्ड विद वन और मोर लार्ज ग्रीन और कलरफुल ब्रेक्ट आपको ऐसे अलग से दिख जाएगा ये देखो ऐसे ब्रेक्ट से कवर होते हैं ऐसे ऐसे कवर होते हैं दिस इज अट ये ब्रेक्ट से कवर है अलग से डायग्राम क्लियर हो जाएगा इसका दिस इज द स्पैडिक्स देख सकते हैं ठीक है जो चैप्टर क्रैश कोर्स में खत्म होगा उसी का टेस्ट आपका स्पेशल क्लास में चलेगा और स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग रेगुलर बेसिस पर शाम चार से पांच आप लोग की चलेगी

ग्रीन और कलरफुल ब्रेड्स कवर कर रही है ठीक डिलीट हुआ, बेटा? हुआ वीडियो कोई? चलो नेक्स्ट इज द कोरियम्ब टाइप ऑफ इन्फ्लोर ये क्या होता है ये हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसका कोरियम टाइप क्या है देखो Just give me a second। कोरियम टाइप ऑफ इंफ्लोरसेंस की अगर हम बात करें इस तरीके के इंफ्लोरस के अंदर पेडंकल जो है आपका ये शॉर्ट होगा एंड ऑल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल पेडंकल तो छोटा होता है इस तरीके से होगा कुछ जैसे पेडंकल है ऑब्वियस ही बात है पेडंकल इलांगेटेड ही होना है विच टर्मिनेट इन अ फ्लॉर रेसिमोस का टाइप है सारे के सारे फ्लॉर सेम लेवल पर प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरीके से ठीक है सारे फ्लावर सेम लेवल पर प्रेजेंट है अब सारे फ्लावर को सेम लेवल पर प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा जो लोअर फ्लावर होंगे उनका पेडिकल ज्यादा लंबा होगा और अपर फ्लावर का पेडिकल छोटा होगा क्योंकि जैसे मान लो सारे फ्लावर मुझे इस लेवल पे चाहिए इसी लेवल पर सारे फ्लावर चाहिए इस लेवल पर मुझे सारे फ्लावर्स चाहिए ठीक है तो मैं क्या करूंगी ये ऊपर वालों का पेडिकल छोटा कर दूंगी और नीचे वालों का पेडिकल ज्यादा लंबा कर दूंगी दैट सेट यही है कोरियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देख लो यही लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडिकल इज शॉर्ट ऑल फ्लावर आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल बिकॉज जो लोअर वाले लोअर साइड के फ्लावर होंगे उनका पेडिकल ज्यादा लंबा होगा देन द अपर वन ठीक है

ट अबाउट हो गया कोरियम टाइप नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दाइप ऑफ इंफोर टाइप के बारे में मैं आपके साथ अब आगे यहां तक क्लियर है सबको। यहां तक नहीं करूंगी बेटा वीडियो डिलीट नहीं होगा हाँ ये चैप्टर टेलीग्राम पर भेज दूंगी मैं आज आपको इसके नोट टेलीग्राम पर मिल जाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पर पीपीटी यूज कर रही हूँ ठीक है और मंडे से मैंने आपको बता दिया है मंडे से हम शुरू कर रहे हैं अपना फ्रेश कोर्स जिसका अनाउंसमेंट वीडियो ठीक है इसका अनाउंसमेंट वीडियो आपको मिल जाएगा आप अनाउंसमेंट वीडियो आज रात मिल जाएगा ठीक है चलो एक सेकंड रुक जाओ आप हाँ क्रैश कोर्स में में क्रैश कोर्स वन वन चैप्टर डे करेंगे but as per the discussion, almost 90 मिनट्स डेढ़ घंटे का तुम्हारा क्लास होगा तो ये तो नहीं कहूंगी कि सारे चैप्टर ही एक, एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा जैसे कुछ लेंदी चैप्टर है तो दो दिन भी जाएंगे ठीक है बट नाइनटी मिनट्स का डेढ़ घंटे का एक क्लास रहेगा बट हाँ ऑलमोस्ट दो से तीन दिन के अंदर तो चैप्टर खत्म कर ही कर देंगे हम ऐसा करके शुरू करेंगे क्रैश कोर्स जो मंडे से सुबह सेम टाइम टू में चलाने वाली ठीक चलो ये देखो अंबल टाइप ऑफ इंफ्लोरस इसमें क्या होता है अंबल टाइप ऑफ इंफ्लोरसेंस में इंफ्लोरसेंस इन विच द फ्लॉट यानी कि जो पेडिकल जो है दे आर मोर और लेस इक्वल इन लेंथ लेकिन वो सेम पॉइंट से अराइज होंगे और जहां से अराइज हो रहे हैं वॉल ऑफ ब्रेक जिसे हम कहते हैं इनवॉल्यू कुछ इस तरीके से ये आपका पेडंकल है बेटा विच इज इलाटेड अब इसमें क्या होगा मैंने बताया प्लार जो है जरूरी नहीं है मोर लेकिन सेम पॉइंट से अराइज हो रहे हैं कुछ इस तरीके से ये देखो ये देखो इसी पॉइंट से सारे पैडिकल अराइज होते हैं और इसके बेस पर ऐसे वॉल ऑफ ब्रेक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं इनवॉलिकर यू कैन सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है अंबल सेम पॉइंट से सारे पार्टिकुलेट फ्लावर्स अराइज हो रहे हैं सेम इसी पॉइंट से और यहाँ पर ये यह जो वॉल ऑफ ब्रेक्ट है इसे हमने कह दिया इनवॉलिकर अच्छा गंदा हुआ है एक मिनट ठीक है कंपाउंड अंबल में इसको ब्रांच कर दिया हर एक ब्रांच पर वही सेम पॉइंट से ये अंबल लाइक अरेंजमेंट प्रेजेंट है इसको आपने कह दिया कंपाउंड अंबल इसे आप कह देंगे कंपाउंड अंबल ये ब्रांच है और हर एक ब्रांच पर इस तरीके का अरेंजमेंट है दैट इज द कंपाउंड अंबल ये क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट इसके अंदर रेसिमोस पैटर्न के अंदर जो लास्ट टाइप है दैट इज दैपिटलम या फिर इसे रेसिमोस हेड भी हम कहते हैं ये क्या होता है चलिए इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे ये रेसिमोस का आ, लास्ट टाइप है ठीक है ठीक है बच्चों बहुत सारे बच्चे यहां पर पूछ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का और मैंने बाकी मैसेजेस भी रिसीव किए हैं मैं एक सेकेंड कैपिटलम के बाद आपको आंसर देती हूँ अबाउट योर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन अपडेट्स ठीक है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी बता दूं उसके बाद मैं आपका आ रही हूं और उसी थोड़ा सा एक हिंट दे दूंगी क्रैश कोर्स के बारे में भी उसमें ही कि किस तरीके का क्या बाकी उसका प्रॉपर अनाउंसमेंट भी क्रैश कोर्स के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी प्रॉपर अनाउंसमेंट कौन कौन से चैप्टर मैं कवर करूंगी मेरे साथ हो सकता है कोई और भी जुड़े तो वो क्या करेंगे मैं कौन से चैप्टर बट शुरुआत में कवर करवाने वाली हूँ ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी आज कल रात साढ़े नौ बजे अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर अभी कैपिटलम देख लो क्या हो रहा है कैपिटलम या फिर हम बात करें रेसिमोस हेड के बारे में देखो बेटा क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ इंफोरस ये जो पेडंकल का जो टिप देख रहे हो आप टिप ऑफ पेडंकल इट बिकम ब्रॉड फ्लैटन कॉनकेव और कॉन्वेक्स सी ये ब्रॉड फ्लैटन ऐसे ये ब्रॉड फ्लैटेंड कॉन्केव या कॉन्वेक्स हो जाता है कुछ इस तरीके से ब्रॉड फ्लैटेंड कॉन्केव और इसके ऊपर आपके स्मॉल फिसाइल फ्लॉर्स जो है आप देख रहे हो ऐसे। पैडिफिलेट तो नहीं है ना ऐसे यू कैन सी हियर स्मॉल सेसाइल फ्लावर्स आपके पाए जाते हैं इन फ्लावर्स को हम कहते हैं फ्लोरिट्स ठीक है अब इसमें एक है हेड हेड और heterogamous head क्या होता आई एम गोइंग टू गिव यू द द डिटेल्स अबाउट सेम ये आपको क्लियर हो गया होगा कैपिटल में क्या हो रहा है टिप ऑफ पेडंकल इट बिकम ब्रॉड फ्लैट कॉन्केव और कॉन्वेक्स इस पर इस तरीके से आपके सिसाइल फ्लावर्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं इन फ्लावर्स को आप फ्लोरिड्स कहते हैं अब वो ये कह रहा है अब हम इसमें टर्म पढ़ेंगे ठीक है इसमें हम कह रहे हैं कि आपका फ्लोरिड्स हमने डिस्कस कर लिया अब वो कह रहा है कि होमोगैमस हेड क्या होता है तो ध्यान से सुनो व्हाट डू यू मीन बाय द होमोगैमस हेड इफ ऑल द फ्लावर्स ऑफ कैपिटुलम कैपिटुलम के सारे फ्लावर्स अगर सेम हो तो इसे आप कहते हैं होमोगैमस हेड ठीक है अगर सारे फ्लार सेम साइज के हैं अब वो कह रहा है कि जो फ्लार सेंटर में प्रेजेंट है जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं उसका साइज छोटा है तो इन एंड कॉल्ड इनको कहते हैं आप डिस्क फ्लोरिट्स और जो आपके पेरीफेरी पर है ये बड़े हैं इन्हें आप कहते हैं रो, रे और, order, और इस तरीके के कि अगर ये जो सिसाइल फ्लावर्स है ना इन सबका सेम साइज होता सेम टाइप के होते तो दिस इज द होमोगेमस हेड बट जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं पेरीफेरी पर जो फ्लावर्स है ना इनका साइज थोड़ा बड़ा है और सेंटर वाला फ्लावर जो है ना वो छोटू है ये सेंटर में जो फ्लावर होगा ना ये छोटा होगा पेरीफेरी पर फ्लावर्स बड़े हैं और सेंटर में आते आते ये छोटे होते जा रहे हैं इस तरीके से कुछ ठीक है तो वो कह रहा है कि ये जो छोटा फ्लावर है ना सेंटर में द फ्लावर विच आर प्रेजेंट इन सेंटर आर स्मॉल इसको आप कहोगे डिस्क फ्लोरेट्स और जो पैरी पैरी पर प्रेजेंट है दे आर द रे फ्लोरेट्स डिस्क फ्लोरेट्स एंड रे फ्लोरेट्स साइंस में डिफरेंस है ना तो ये हो गया आपका हिट्रोगैमस हेड इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स में भी यूनिसेक्शुअल कैसे भी हो सकते हैं ये देखो इसको आप कह रहे हो हेड कहते हैं और है? जितने भी फ्लावर्स हैं वो सेम टाइम पे पॉलिनेट हो जाते हैं श्योरिटी ऑफ पॉलिनेशन है एस्टरेसी फैमिली सनफ्लावर जिन्ना मैरीगोल्ड इनके अंदर आपको इस तरीके का इन्फ्लोसेंस जो है ये देखने को मिलता है दिस इज अबाउट

चमका yes. आगे बढ़े चलो साइमोस और डेफिनेट पैटर्न पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2021 का तुम्हारे मन में जितनी भी दुविधाएं हैं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट उसके अकॉर्डिंग तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है मैं चैट भी आपकी देख रही हूँ तो आप अपने क्वेश्चंस मुझसे यहां पूछ सकते हैं नीट 2021 के बारे में ये बेटा कि आप लोग का अभी तक तो उसके अकॉर्डिंग जो डेट अनाउंसमेंट है उसके पोस्टपोन के बारे में नहीं दे रखा है डेट वो यही कह रहे हैं कि फर्स्ट अगस्त से ही आएंगे लेकिन अभी तक ना तो फॉर्म्स रिलीज हुए ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह कुछ भी नहीं आया है तो जैसे जैसे समय निकल रहा है भले ही वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग तो डेट फर्स्ट ऑगस्ट ही है लेकिन आज कितनी तारीख हो गई अपनी आज शायद सेवनटींथ uh, है ना हाँ सेवनटीन ऑफ जून है लेकिन अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है फॉर्म्स नहीं रिलीज हुए हैं तो इसीलिए आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है प्रोबेबिलिटी uh, है कि आपका एग्जाम ऑन टाइम नहीं होगा एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है उन्होंने अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है लेकिन अभी तक जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स नहीं आए हैं फॉर्म्स ही नहीं रिलीज हुए हैं तो देखो फॉर्म्स रिलीज होते हैं सबमिट होते हैं फिर वो वो चेक करने के लिए टाइम देते हैं क्रॉस चेक करने के लिए आपको सेंटर्स अलॉट होते हैं तो उसमें समय लगता है ठीक है अभी ऑलरेडी सिक्सटीन जून हो चुका है और अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स नहीं आए हैं बहुत ज़्यादा समय अब नहीं है डेढ़ महीना ही बचा है उस तरीके से तो तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी बन रही है कि आपका एग्ज़ाम ऑन टाइम नहीं हो हो सकता है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा जी लास्ट टाइम की तरह और पैंडमिक का सीन तो है ही सही वो तो एक कारण है ही सही इन सब चीज़ों का तो इसलिए एग्जाम डेट्स की आ, यस एग्जाम एग्जाम कर सकते हैं अभी तक कुछ भी नहीं आया है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट ही हाँ, आए अब रही बात लेकिन तुम लोगों को क्या करना है एग्जाम की बट अभी देखो ना अब आज आप 16 तारीख गई तो अभी तक कुछ भी नहीं आया ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स का कुछ कब से आने वाले क्या कुछ भी नहीं अभी तक डेट भी नहीं अनाउंस किया तारीख से फॉर्म आ जाएंगे कुछ भी नहीं हुआ तो समय लगता है इन सब चीज़ों में तो लगता नहीं है कि फर्स्ट अगस्त को एग्जाम होगा एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड होगा ऐसा मेरे को लगता है मेरा गट फीलिंग यह है कि आपका एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होगी ऑन टाइम नहीं होगी फिर देखते हैं क्या होता है और दूसरी चीज़ ये कि अब एग्जाम डेट के पोस्टपोन्ड का असर तुम अपनी पढ़ाई पर मत लाओ इवन तो इसको पॉजिटिव एटीट्यूड से लो अभी देखो पिछले लास्ट लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था इसको पॉजिटिव एटीट्यूड से लो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या ले पॉजिटिव एटीट्यूड से ऐसे कि जो चैप्टर्स आपके वीक है आपके पास समय है आप उनको अच्छे से कमांड में ले सकते हैं इसीलिए मैं क्रैश कोर्स भी शुरू कर रही हूँ अभी मैं क्रैश कोर्स का मैं अनाउंसमेंट वीडियो तो बनाऊँगी बट एक थोड़ा सा मैं ये यहीं ले लेती हूँ यहाँ पर ही आप लोगों से एक हिंट मैं ले लेती हूँ मैं आ, कोशिश करूंगी कोई और टीचर भी उसके अंदर एनरोल्ड हो जाए तो कुछ सेक्शन वो कवर कर लें बट यस ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करना है क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं पूरा पढ़ाऊंगी प्लांट फिजियो मैं पूरा पढ़ाऊंगी ठीक है ट्वेल्थ का फर्स्ट यूनिट वो जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है ये मैं पूरा वहां पर करवाने वाली हूँ ठीक है वेटेज तो मैं पूरा कवर कर दूंगी इको पूरा पढ़ाऊंगी मैं जेनेटिक्स पूरा पढ़ाऊंगी मैं ठीक है प्लांट डाइवर्सिटी मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगी वहाँ पर ठीक है ये तो ये सबसे पहले मैं क्रैश कोर्स में ये कवर अप करूँगी ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब अभी सीक्वेंस वाइज नहीं बोलाएगी मैंने सीक्वेंस आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर पहले चाहिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चाहिए ठीक है सेल बायो भी पढ़ा दूंगी सेल बायो भी हो जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी रिप्रोडक्शन यूनिट इकोलॉजी जेनेटिक्स और प्लांट डाइवर्सिटी ये तो तुम्हारा होने वाला है हाँ मॉर्फोलॉजी भी होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी होगा रिप्रोडक्शन यूनिट में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी आ गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आ गया और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आ गया बेटा तुम लोग का इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आ गया भी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ ये सारे चैप्टर्स इसके अंदर मैं कवर करने वाली हूँ अब तुम तो मुझे ये बता दो तुम्हें तो पहला क्या चाहिए जेनेटिक्स से शुरू करें वेटेज वाइज चल लें जेनेटिक्स से शुरू करें वन वन डे अब जैसे जेनेटिक्स जेनेटिक्स थोड़ा सा में दोनों मतलब ये तो मैं मतलब ये ये जो पोर्शन मैंने आपको लिखा है ना ये आपके सिलेबस का सेवनटी परसेंट कवर करता है मोर देन सेवेंटी परसेंट ही मान लो सेवेंटी परसेंट सिलेबस तो मैं कवर करवाने वाली ठीक है सेवेंटी परसेंट सिलेबस हम कवर कर लेंगे और बाकी का जो है मैं यहाँ पर आपकी बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस लेकर आऊंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छा हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बहुत अच्छा करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लगभग दो दो घंटे की सीरीज चला के मतलब सौ क्वेश्चन एक दिन में यूट्यूब पर और लगभग सत्तर अस्सी क्वेश्चन स्पेशल क्लास में उसी चैप्टर के मैं आपको वहां पर कवर करवाऊंगी वेटेज के अकॉर्डिंग कितने लोग बोल रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी हो जाएगा human health and disease हाँ ये भूल गई थी ना मैं लिखना और भी कुछ भूल गया human health and disease भी मैं ये भी, भी यहाँ पर हो जाएगा कितने बच्चे हैं यहाँ पर वो मुझे यहीं बता दो तो मुझे मिल जाए थोड़ा सा एक आइडिया एक हिंट मेरे को मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली मैं कर लूंगी कि वेटेज वाइज चलना है हमें वेटेज वाइज हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट वेटेज वाइज जल्दी-जल्दी लेट मी नो इन द चैट वेटेज वाइज किस-किस को चाहिए यस yes, नवीन बोल रहे हैं लक्ष्मी बोल रही है और राहुल हाँ बायोटेक भी करवा दूंगी बेटा बायोटेक भी करवा दूंगी बायोटेक भी हो जाएगा वेटेज वाइज आंसर तो करो तुम्हारे आंसर मेरे पास थोड़े से जल्दी बोलो बच्चों तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत लेट आ रहा है वेटेज वाइज कह रहे हैं वेटेज वाइज ठीक है तो वेटेज वाइज शुरू करते हैं प्रॉपर शेड्यूल प्रॉपर शेड्यूल टाइमिंग्स के बारे में क्योंकि टाइमिंग्स अभी मैं एक बार डिस्कस कर लेती हो सकता है चेंज हो टाइमिंग्स के बारे में वैसे 9 से दस ही रखूंगी मैं टाइमिंग्स के बारे में अबाउट कि किस दिन क्या चैप्टर शुरू होगा उसका टेस्ट कैसे होगा टेस्ट के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे तमाम चीजों का डिटेल आपको कल रात साढ़े बजे टुमारो नाइन थर्टी पीएम टूमोरो नाइन थर्टी पी अनाउंसमेंट वीडियो है क्रैश कोर्स के लिए क्रैश कोर्स का अनाउंसमेंट वीडियो आ जाएगा तो उसमें मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगी शॉर्ट नोट्स कैसे होंगे सारी चीजें इसके लिए ही अगर जिस चैप्टर में जरूरत होगी क्रैश कोर्स में नीट का डेली डोज नीट का डेली डोज जिसमें ट्रिक्स वगैरह हम देखते हैं तो वो भी उसी रात में आ जाया करेगा ठीक है तो ये मैं पूरा प्लान करके कुछ अच्छा ही प्लान करूंगी नीट का डेली डोज भी अगर लगता है कि किस पर्टिकुलर चैप्टर की ट्रिक्स चाहिए तो मैं ये याद नहीं होता जहां पर उस चीज की डिमांड आएगी वो कर देंगे स्पेशल क्लास मंडे से मैंडेटरी है तुम लोग को ज्वाइन करना अभी से ही मैंडेटरी है आज इकोलॉजी का टेस्ट है आज भी अभी मैंने पब्लिश नहीं किया अभी तुरंत जाकर पब्लिश कर दूंगी तो वो भी लगाना है और इनके टेस्ट यूट्यूब पर भी होंगे स्पेशल क्लास में भी होंगे स्पेशल क्लास में ज्यादा बेहतर होता है वहाँ पे आपको तो अपनी रैंक शो होती है प्रॉपर लीडर बोर्ड मिलता है तो वो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ठीक है स्पेशल क्लास का फ्री है वो भी रोज शाम चार से पांच अन अकेडमी ऐप पर होती है इसलिए कह रही टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सब जिससे कि लिंक मिस ना हो चार से पांच होता है शाम को चार से पांच में अनअकेडमी ऐप पर आती हूँ ठीक है बिल्कुल फ्री है जस्ट आपको शिवानी कोड डाल के अनलॉक करना है कोई चार्जेस इसके आपके नहीं लगते एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है जी तो ये हो गया इट इज ऑल अबाउट दिस चलो साइमोस टाइप साइमोज इंफॉर्मेशन अपनी नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे इट इज ऑल अबाउट दिस इट इज ऑल अबाउट माई टूडे सेशन थैंक यू सो मच गाइड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन ठीक है कल इसको मैं कंटिन्यू करूँगी और साथ ही साथ आप ये देखिए कुछ ऐसे बैचेस हमारे अन अकेडमी पेड प्लेटफॉर्म पर सिक्सटीन जून से शुरू हुआ है जैसे एक्सक्लूसिव सुपर नर्चर बैच है दिशा बैच एक्सक्लूसिव सुपर नर्चर बैच है यहाँ पर uh, दिशा बैच है ट्वेंटी uh, के लिए ठीक है बिगनर्स बैच है एंथ्यूज बैच है ये सारे के सारे शुरू हुए हैं ठीक है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वीडियो के शुरुआत में लिखा हुआ है आपको कोड अप्लाई करना है शिवानी जिससे कि शिवानी कोड अप्लाई करके अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दस परसेंट डिस्काउंट तो मिल ही रहा है एक पर तीन महीने चार महीने ये तो फ्री मिल ही रहा है साथ साथ आप डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे वो सिर्फ शिवानी कोड से पॉसिबल है ठीक है थ्रू आउट योर नीट जर्नी आई विल गाइड यू यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई ग्रुप एंड माई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आप मेरे स्पेशल ग्रुप सुपर एटीज का पार्ट भी बन सकते हैं वाई यूजिंग दिस कोड कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटीरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा डीपीपीज मिलते हैं क्वेश्चन बैंक मिलता है फ्री ऑल इंडिया लेवल टफ सीरीज आपको मिल जाता है तो ये सारे फायदे हैं शिवानी कोड को अप्लाई करने से स्टडी प्लानर डेली बेसिस पर मतलब मुझे सिर्फ डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग बच्चा चाहिए डेली बेसिस पर टारगेट्स भी मैं आपको देती हूँ और उन टारगेट्स टारगेट्स आपको मिलते हैं और उनका टेस्ट अलग से कंडक्ट किया जाता है तो ये सारे फीचर्स सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वीडियो के शुरुआत में डिटेल में दे रखा है सब्सक्रिप्शन लेने में अगर कोई दिक्कत है तो आप कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मैं रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर मैसेजेस को चेक करती हूँ मैसेज मुझे कैसे कर सकते हो मैसेज करने का तरीका सुन लो आप मुझे अनअकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लें करने करने के बाद आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो मैसेज सेंड का ऑप्शन आता है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी हर आई विल रिवर्ट यू हाय हेलो का जवाब कभी भी नहीं मिलता है टू द पॉइंट अपना क्वेरी लिखो आई विल रिवर्ट यू माय टीम तो टू द पॉइंट अपना क्वेरी लिखना आई विल रिवर्ट यू ठीक है आप मेरे से बात कर पाएंगे यही तरीका है सब्सक्रिप्शन के पहले मुझसे कॉन्टेक्ट करने का या फिर आप चार से पांच मेरी स्पेशल क्लास में भी आ सकते हो वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है वहां पर अपना क्वेरी डाल सकते हो यहाँ पर मुझे फॉलो करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना फोर टू फाइव फ्री स्पेशल क्लासेस है कोई चार्जेस नहीं है जस्ट अनलॉक करने के लिए वो कोड जरूर पूछेगा कोड शिवानी डाल दो शिवानी कोड से अनलॉक हो जाएंगी वो क्लास ठीक है प्लस अभी सेल चल रही है बेटा सेल चल रही है अभी अगर आप नीट यूजी और सीबीएसई का कॉम्बो लेते हैं

ये एक कॉम्बो सेल भी यहाँ पर चल रही है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वाई यूजिंग दिस कोड दैट इज शिवानी इट इज ऑल अबाउट दिस मेरा खुद का बैच अन अकेडमी के पेड प्लेटफॉर्म पे नाइन्थ से शुरू हो चुका है ठीक है नाइन्थ से शुरू हो चुका है तो आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं वाई यूजिंग माई कोड शिवानी

शाम को चार बजे स्पेशल क्लास में मिलते हैं फिर शाम सात बजे ट्वेंटी ट्वेंटी टू 2023 थ्री टारगेट ईयर ऑडियंस हम लोग बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आज खत्म हो जाएगा अपना थैंक यू